Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing. Hey guys, welcome back in another video. So, आज लेके आ गया हूँ मैं एक और अनबॉक्सिंग, और ये अनबॉक्सिंग है टकारा टोमी बेब्लेड की, जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि कौन से वाला है. सो मैंने ऑर्डर तो किया था एक बेब्लेड जो कि सबका फेवरेट है, अभी पता चल जाएगा क्या किया था मैंने. अगर उन्होंने जो मैंने मंगवाया है वही भेजा होगा तो. ओके सो गाइस, ये पता नहीं कभी अच्छे से बेब्लेड क्यों नहीं भेजते. मैं इनसे मंगवाता कुछ हूँ, ये भेज कुछ देते हैं, इसलिए मैं ओरिजिनल बेब्लेड कभी मंगवाता नहीं हूँ, क्योंकि इनके पास स्टॉक कुछ होता है और ये दिखाते कुछ हैं. मैंने इनसे वेल्ट्रैक मंगवाया था और इन्होंने भेजा है रॉक टावर. अब क्या ही बोलूँ मैं इनको, तो चलो अब इसी की अनबॉक्सिंग करते हैं. इसीलिए मैं ओरिजिनल बेब्लेड नहीं मंगवाता. जो क्लोन वाले बेब्लेड होते हैं वो कम से कम जो मंगवाते हैं वही भेजते हैं, और ये तो भाई मैंने लास्ट पिछली बार दो बार ड्रैगन मंगवाया था, लेकिन ड्रैगन की जगह एक बार उन्होंने जूलियन ज्यूट्रॉन भेज दिया, और दूसरी बार क्या कहते हैं उसको, हाँ एक्सकैलियस भेजा था. इसलिए मैं ओरिजिनल बेब्लेड्स नहीं मंगवाता. सो गाइस, ये बेकार सा लॉन्चर मिलता है हमको उनके साथ में, घटिया सा, जो कि बिल्कुल ना के बराबर ही चलता है. ये है, सॉरी गाइस, अभी निकाल लेता हूँ मैं सब पार्ट्स. तो वैसे अभी मैंने सभी पार्ट्स निकाल लिए हैं, तो एक एक करके दिखाता हूँ मैं आप सबको. तो हमें ये मिलता है लॉन्चर, मेरे पास दो पड़े हैं और दोनों के दोनों यूजलेस हो चुके हैं, और ये तीसरा भी कुछ ज़्यादा करेगा नहीं. तो ये है हमारा रॉक टावर जो भी है, इसका ये गिमिक भी है यहाँ पे. ये मेरे ख्याल से स्पिन करेंगे तो बाहर निकलता है, ऐसा ही कुछ है इसका. जैसे कि आप देख ही सकते हैं, और ये मुझे नहीं पता ये क्या है, ये शायद निकल जाता है. ये मुझे कमेंट में बता देना ये क्या है. ये मेरे ख्याल से लेफ्ट और राइट स्पिन के लिए कुछ है, मुझे पता नहीं है अच्छे से. और ये इसकी डिस्क है, डिस्क का नाम देख लेते हैं एक बार. तो डिस्क का नाम DR29 ऐसा कुछ नाम है. ये इंटरचेंजेबल रिंग लिखा रखा है इसके ऊपर, स्टेमिना टाइप डिस्क है ये. अभी देखते हैं इसका क्या होता है, ये मेरे ख्याल से निकल भी जाती है. ओके सो डायरेक्शन चेंज हो जाती है इसकी, जैसे कि अभी ऐसे है ये, अब ऐसे हो गई है, और शायद निकलती भी है ये.
पता नहीं निकलने का तो टूटना चाहिए। तो ये इसका लेयर है और ये हमारे पास परफॉर्मेंस टिप है। ये इसका TS-11 कुछ नाम है टिप का। फोर ब्लेड्स क्रिएट अपर फोर्स एनहेंस इट्स स्टेमिना व्हेन हैविंग राइट स्पिन। ओके, तो मतलब ये राइट और लेफ्ट दोनों स्पिन घूम सकता है शायद, मुझे नहीं पता है लेकिन देखते हैं अभी। स्टेमिना टाइप बेब्लेड है तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो वैसे तो ये सब मिलता है हमको, स्टिकर्स ये रहे स्टिकर्स। अभी मैं स्टिकर्स लगा के आपको दिखाता हूँ। ये इसकी यूज़र मैनुअल कुछ ऐसा कुछ होगा। हाँ, तो ये इसकी यूज़र मैनुअल है, मतलब हर बेब्लेड की यूज़र मैनुअल है ये। अभी मैं स्टिकर्स लगा के फिर दिखाता हूँ आपको। ओके गाइस, तो स्टिकर्स का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो यहाँ पे है, लेकिन ये जब निकाल रहा हूँ तो ये पूरा फट रहा है। ये इन्होंने कुछ चिप लगा रखी है इनके स्टोर के लिए, तो अभी स्टिकर्स पता नहीं मैं कैसे लगाऊंगा। कोशिश करता हूँ अपने खुद से लगाने की। ओके, सो गाइस, बड़ी मुश्किल के बाद मैंने स्टिकर्स लगा दिए हैं सभी के सभी। बहुत टाइम लगा लेकिन मैंने ऑनलाइन देख के स्टिकर्स लगा ही दिए। एक स्टिकर बचा है, वो भी लगा देता हूँ मैं। ये वाला यहाँ पे आएगा। सो अब हमारे स्टिकर्स हो गए हैं कंप्लीट। देखने में तो काफ़ी अच्छा है ये बेब्लेड, और लेकिन मैंने वेल्ट्रैक मंगवाया था V3 और ये दिया है उन्होंने। सो गाइस, लॉन्च करते हैं इसको। आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छे से स्पिन कर रहे हैं। स्टैमिना बेब्लेड है तो स्पिन क्वालिटी तो इसकी अच्छी होगी, देख सकते हैं कितना स्टेबल है। लेकिन बेब्लेड बर्स्ट की ये दिक्कत है कि चाहे कितना भी स्टैमिना वाला बेब्लेड हो, इतना कुछ अच्छा स्टैमिना दे नहीं पाते हैं ये, जितना कि मेटल वर्जन वाले दे देते थे। अब ये काफ़ी देर से ऐसे ही कर रहे हैं। सो अभी इसको दूसरे लॉन्चर से लॉन्च करता हूँ, इस वाले से। तो इससे काफ़ी अच्छे से लॉन्च हुआ है। अभी मैं वेल्ट्रैक की लड़ाई कराऊंगा इससे। ये वेल्ट्रैक V2 है, इसको इस वाले लॉन्चर से लॉन्च करूंगा और इसको इससे। लड़ाई हो रही है इनकी और वेल्ट्रैक हमेशा बर्स्ट हो जाता है, पता नहीं क्या इतना कमजोर क्यों बनाया इसको। अभी इसको ओरिजिनल से लॉन्च करते हैं और उसको फास्ट वाले से। अभी फिर से बस्ट हो गए जहाँ तक मुझे लग रहा है।
जैसे कि मैंने बोला था, फिर से बस फिनिश हो गया ये। ओके सो गाइस, मेरे पास 3 ओरिजिनल बेब्लेड हो चुके हैं अभी। इसको चेंज करके फिर देखते हैं क्या होता है। ओके सो अभी हार्ड हो गया ये बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे, लेकिन इसके क्लिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं पहले से। इस वाले में भी हार्ड हुए, ये पहले से ही हार्ड थे, मेरे को पता ही नहीं है। एक और फाइट करते हैं फिर से। एक मिनट, पहले इसको चेंज तो कर दूँ। ओके सो अभी देखते हैं, कुछ अलग से दिखता है तो। वेल ट्रैक हमेशा की तरह कमज़ोर। ओके सो कुछ डिफरेंस दिख तो नहीं रहा। हाँ, इस बार डिफरेंस ये है कि वेल्ट्रैक बस्ट नहीं हुआ, बेचारा बच गया। और बच्चा भी कैसे है, बस्ट हो ही गया था बस। सो गाइस, देख सकते हैं कैसा लगा आपको हमारा रॉक टावर। ये इसके साथ मिले हमें, टकारा टॉमी।